हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लोगों को झांसा देकर राजस्थान सरकार सत्ता में आई है। पाली सांसद पीपी चौधरी। भाजपा सांसद पीपी चौधरी के सोजत रोड आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंचायत समिति सदस्य अनिल कुमार व्यास के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने पाली लोकसभा के सांसद पीपी चौधरी का साफा व माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पीपी चौधरी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान सांसद चौधरी ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि लोगों को झांसा देकर राजस्थान सरकार सत्ता में आई है। फसल बीमा के बारे में पूछने पर बताया कि किसानों को किसी भी सूरत में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। लाभार्थी किसानों को फसल बीमा का लाभ तुरंत मिलना चाहिए। फसल बीमा योजना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आए, लेकिन सर्वे करने व फसल बीमा योजना को धरातल पर लागू करने राज्य सरकार का काम है। राज्य सरकार में जो निष्क्रिय अधिकारी बैठे हैं एवं संबंधित जो अधिकारी है उन्हें किसानों के बारे में सोचना चाहिए, किसानों की पीड़ा को समझना चाहिए और इस योजना का लाभ हर लाभार्थी किसानों को मिलना चाहिए। ये राजस्थान सरकार की ड्यूटी है कि ये किसान ये फसल बीमा योजना का उनको हर एक किसान को जो इसके लाभार्थी हैं उनको लाभ मिलना चाहिए। लेकिन ये जो सरकार जो निष्क्रिय है उसमें उनके अधिकारी निष्क्रिय है, तो लगातार वापस जो है हम इन पे प्रेशर बनाएंगे। जागरूक टीवी के लिए सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।